नमस्कार, मैं दिव्यांशी डोसी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर धावा बोला है तब से ही अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर अफगानिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वहीं UN के आतंकियों के लिस्ट में शामिल और तालिबान के कमतर नेता मुल्ला हसन अखुंद अफगानिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। चरमपंथी समूहों के कई गुटों के बीच मतभेदों ने अब तक युद्धग्रस्त राष्ट्र में सरकार के गठन को बाधित किया है। 3 हफ्ते पहले काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। मुल्ला बरादर के नेतृत्व वाली तालिबान की दोहा इकाई हक्कानी नेटवर्क पूर्वी अफगानिस्तान से संचालित एक आतंकवादी संगठन और तालिबान का कंधार गुट में सत्ता को लेकर मतभेद है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में सरकार बनाने में देरी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले के तहत मुल्ला बरादर और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला अखुंद के डिप्टी के रूप में काम कर सकते हैं। हक्कानी नेटवर्क के सिराज हक्कानी को भारत के गृह मंत्रालय के बराबर शक्तिशाली आतंकरिक मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए चुना जा सकता है। तालिबान के शीर्ष मौलवी और नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को सर्वोच्च नेता होने की संभावना है। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान के नेतृत्व परिषद रहबारी शुरा के प्रमुख हैं और 2001 में अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने से पहले तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में एक मंत्री के रूप में कार्य किया है। ऐसी अटकलें हैं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख के काबुल जाने के दौरान सहमति बनी थी। अब ISI प्रमुख फैज हमीद अब इस्लामाबाद वापस आ गए हैं। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के साथ बातचीत करने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला सहित देश के पूर्व नेताओं के लिए कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहे SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।